नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में 2024 के मतदान को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी में, जहां आप देख सकते हैं मतदान के लिए लंबी कतार लगी हुई है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी शाम को लगभग 3 बजने को है और यहाँ पर मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बूथ के बाहर दर्जनों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे गर्मी आज कुछ कम है। हम मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी इस साइड का भी बूथ जो व्यूज़ दिखाएं। पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग कतार लगी हुई है। सभी जगह प्रवेश द्वार पर बाकायदा लिखा हुआ है कि किसे किस रास्ते से जाना है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग जो पर्चियां हैं उससे ही अपनी गर्मी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक सुरक्षा कर्मी है जो मतदान के लिए जो एक इंडिकेशन बना हो उसी से हवा कर रहा है। मतदान दस्तल के बाहर आप देख सकते हैं सुरक्षा के तगड़े इंतज़ाम किए गए हैं और यहाँ पे BLO भी हैं, जो अगर किसी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। गर्मी का आलम ऐसा है कि हर कोई न कोई जुगाड़ लगा रहा है, जिसे गमछा मिला है, कागज़ मिला है, दफ्ती मिली है, उसी का प्रयोग कर रहा है। काफ़ी गर्मी है और एजेंट आप हैं, कैसा है दिन भर का? बढ़िया है यहाँ का गर्मी तो फिलहाल। अभी गर्मी बढ़ा, इसके पहले बहुत रात थी। वोटिंग भी बहुत अच्छा हुआ और हो भी रहा है अभी। मतदान स्थल के बाहर सभी प्रत्याशियों की पूरी सूची लगाई गई है और आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक कुल 7 प्रत्याशी बनारस में चुनावी मैदान में हैं, जिसमें अजय राय इंडिया गठबंधन से हैं, अतहर जमान लारी बहुजन समाज पार्टी से हैं, नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, कोली शेट्टी शिव कुमार ये हैं, गगन प्रकाश यादव हैं, दिनेश कुमार यादव हैं, संजय तिवारी हैं। कुल मिलाकर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मतदाता अपना नाम वहाँ दर्ज करा रहा है और 11 बूथ बना है टोटल। और हम दिव्यांग मित्र और नागरिक सुरक्षा से हम लोग हैं। के साथ मतदान स्थल पर एक और मतदाता है जिसकी उंगली पर मत देने का निशान लग रहा है। मतदान स्थल के बाहर कुछ जरूरी सूचनाएं भी यहाँ लिखी गई हैं कि जानिए कैसे अपना वोट दें EVM पर। और भी कई सूचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से हर मतदान स्थल के बाहर दिखाया गया है। ये पीली कोठी पर ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ लोगों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दोपहर के 3 बजने को हैं लेकिन आप देख सकते हैं लगातार मतदाता यहाँ एक के पीछे का रहे हैं। किस मुद्दे पे मतदान हो रहा है? मुद्दे यही है कि हमारे जो देश में है और बढ़ाया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, सब हो रहा है, देखिए क्या होता है। बदलाव ना कुछ उम्मीद नजर आ रही है? बदलाव तो बहुत हुआ है, जो प्रधानमंत्री है जी, हम तो चाहेंगे कि दोबारा भी वही आए, तिवारा वो आए, वो है वही रहेंगे। आप लोग क्या करना चाहेंगे? हमें कुछ नहीं होगा। आप लोग BLO हैं जी, आपकी आपके लिए क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ, जिसका जो वोटर ID है उसके साथ हम लोग अपना बना रहे हैं। मालिक किसी का मत कोई दे चुका है या किसी को और शिकायत है तो उसको कैसे आप दूर करती हैं? नहीं, अब ऐसा तो शिकायत आता नहीं है कि किसी का कोई वोट दे दे। हम लोगों से कोई आकर स्पेशली तो नहीं बताएगा किसका कौन वोट। कोई दे देता है तो क्या करती है? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है।
अब मान ली किसी का मतदाता सूची में नाम छूट गया तब क्या किया था? हाँ तब नेक्स्ट टाइम के लिए कर देते हैं। बस हम सब लोग बीएलओ ही हैं, सब लोग मतदाता पर्ची देना, जिसको नहीं मिला उसको आज देना, जिसका नाम लिस्ट में नहीं है उसको ढूंढना बताना। ओआरएस भी बहुत ज्यादा रखा हुआ है, ये क्यों रखा है? ये जैसे किसी को मतलब धूप हीट देखिए धूप है हीट है, किसी को चक्कर आ रही है, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, किसी को चक्कर आ रही है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, इससे सबके लिए हम लोग रस घोल रखे हैं। आप देखते हैं गर्मी को देखते हुए यहाँ ओआरएस की काफ़ी व्यवस्था की गई है, अगर किसी को भी किसी तरह की समस्या है तो यहाँ पे आशा कार्यकर्ता हैं जो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये नियुक्त की गई हैं। एकदम बढ़िया, एक नंबर का है और देश हित में राष्ट्र हित में मोदी जी को जो है एकदम खुल के सपोर्ट है, एकदम खुल के सपोर्ट है। हमारे साथ यहाँ कुछ मुस्लिम मतदाता जुड़ रही हैं और इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया है। नहीं वो मतदाता है, वो बोलेंगे, हमने बोलेंगे। आप बोलिए, आप तो युवा मतदाता है ना? नहीं हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे। यहाँ माता जी में आपसे जान बात की गई है, उसमें कितना दम है? क्या है मुद्दा इस बार चुनाव? चुनाव का मुद्दा बताइए। अब क्या बताए, वो चार दिन को पता लगेगा ना। वो नहीं पूछ रहा, मुद्दा कौन कर दिया? विकास का मुद्दा है, विकास होना चाहिए हम लोग के इलाके में। हम लोग लोग सरकारी के आदमी आते हैं, कहते हैं कि विकास तो बहुत हुआ, आइए हमारे दरवाजे पर देखिए, कदम रखते ही पहले ही गड्ढा है, पूरी गली खराब बनी है, पानी नहीं आता, और आता भी है तो गंदा पानी आता है, है बीसों घर हम लोग परेशान बने हैं। कोई हम लोग महंगाई और बेरोजगारी पर दिए वोट, और किसी से उसे मतलब नहीं है, खाली महंगाई सही हो, जब पुराना था वो सही था, अच्छे दिन नहीं सही है। वोटरों के सामने बड़ी समस्या है, उनकी समस्या को मोदी जी कहते हमने दूर कर दिया, वो कितनी दूर हुई है? दूर किए हम लोग का बत्ती का बहुत बढ़ गया है, ज्यादा ही खराब हो गया। एक से खराब होती है, आप ऐसा है कि आज का दिन छोड़ के हम लोग के मोहल्ले में आइए, देखिए कितनी मशीन बन रही है, घर घर में दिखा देंगे हम लोग के घर में। मजदूरी बराबर कम हो रही, बिक्री नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। 24 घंटा हम बिजली दे रहे हैं, 24 घंटा देने से क्या होता है, काम नहीं ना है, बार बार नहीं चलता देगी, बिजली रहेगी, मशीन राशन भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं तो किसका दे रही है? रुको एक बात, राशन दे रहे हैं आप 40 रुपया किलो मान लीजिए, हम चावल खा रहे हैं 500 का हुआ है, अब 500 रुपया हमारा सिलेंडर में चला गया, उसके बाद 10 रुपया 70 रुपया किलो जो दाल थी वो हो गई 270 में, 170 में जो 80 रुपया तेल था, है जो तेल था 80 रुपया में वो 180 में मिल रहा है, उसी तरह चावल है आटा सब ने महंगा मिल रहा है, तो हमें 5 किलो आटा से क्या फायदा? बेरोजगारी के मुद्दे पर सब, बेरोजगार सब, महंगाई के बेरोजगारी प्रसार, एकदम महंगाई हालात कटोरा हाथ में है बस। आएंगे इस बारे में कोई बात नहीं। अजय राय, ये अर्दली बाजार बूथ पर मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं, मैं जानना चाहूँ किस मुद्दे पर मतदान हो रहा, क्या स्थिति है? पूरा काशी मोदीमय हो गया है, पूरा काशी शिवमय हो गया है, शिव ने कृपा कर दिया है, आज धूप की जगह बदली कर दिया है ताकि काशी के उनके भक्तों को दिक्कत न होने पावे, और पूरा काशी बम बम करते हुए मतदान कर रहा है और मोदी की जय जयकार कर रहा है। अरे मैं शादेजा पार्षद वार्ड 62 डिठोरी महल, अध्यक्ष व्यापार मंडल अर्दली बाजार। आज की वोटिंग की जो हम लोग सोचे थे उससे ज़्यादा ही लोग अपने घर से निकले हैं और वोट के लिए जागरूक होके, खास करके लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसने माँ भारती की मिट्टी की खुशबू पूरे विश्व में फैलाई है, हम उनके लिए वोट करने आ रहे हैं। 10 लाख का जो मोदी जी का नारा, ये पूरा होगा कि नहीं? इस बार कोशिश में तो अभी तक लगे ही हुए हैं, थोड़ा सा कम चल रहा है, फुल कॉन्फिडेंस से नहीं कहेंगे, लेकिन 6 बजे तक मतदान है तो उम्मीद है कि 100% 10 लाख होना है।
और 400 पार भी होना, 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संपर्क अनिल पांडे, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी हम लोग गारंटी है और हम लोग मोदी जी की गारंटी बनेंगे, 400 पार जाएंगे। अजय राय क्या स्थिति? अजय राय तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़नी है, उनकी बहुत बड़ी महानता है और मोदी जी के आगे कुछ है थोड़ी ना। अब उनको मोदी जी खिलाफ लड़ने पे ही एंटी पोजीशन में उनको तमाम तरह की व्यवस्था उनके पास आ गई है। गर्मी है, कैसा मतदान कैसा हुआ? सब ठीक हुआ, अच्छे से हुआ। बदलाव होगा कि मतलब जो है वही है? बदलाव होना चाहिए। क्या है समस्या इस समय? समस्या महंगाई है और क्या, हिंदू मुसलमान है, ये सब नहीं होना चाहिए। राज कोई भी करे पर सब लोग को जीने दें, हर इंसान। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो उनको कहते ना है, सिर्फ कहने के लिए वो है और कुछ नहीं, नहीं करते, कुछ नहीं है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एलटी कॉलेज अर्दली बाजार में और आप ये देख सकते हैं कि शाम को लगभग 4 बजने को है। बहुत धीमी गति से यहाँ मतदान हो रहा है, चूँकि सुबह में मतदाताओं की अच्छी खासी संख्याएं रही होगी। आइए इधर देखते हैं कि कुछ मतदाता हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि उनको मत देना है। यहाँ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी यहाँ मोबाइल वगैरह लेकर के आना अलाउ नहीं है, लिहाजा मतदाताओं की समझाने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी कि आप बिना मोबाइल के यहाँ मतदान करने आए। मतदान के बाद इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर जगह सेल्फी पॉइंट बनाया गया और देख सकते हैं यहाँ पे चेतमणि की ओर से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। मतदान का मुद्दा है वोट फॉर चेंज, चेंज के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। हम लोगों को चेंजिंग चाहिए है, एजुकेशन बढ़ाना है, हम लोगों को वैकेंसीज चाहिए हैं। जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब महामारी है, ये है वो है, सब चीज़ों के लिए हमें चेंज चाहिए हैं। और वोट जो है वोट फॉर डेमोक्रेसी, इसीलिए हम लोग वोट दे रहे हैं, जो अब है वो सब चेंज हो। जैसे हर जगह देख रहे हैं कि मणिपुर कांड, यहाँ वहाँ दुनिया भर के कांड्स हो रहे हैं, क्यों एक ही राज्य में हो रहा था, इसी टाइम ही क्यों हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ कभी, इसी में क्यों हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जीते और हम लोग राहुल को चाहते हैं। मोदी जी कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, काशी का विकास हम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। क्लीनिंग ही विकास थोड़ी ना होता, उन्होंने क्लीनिंग किया है तो क्लीनिंग ही विकास थोड़ी ना होता है, कि सफाई एक विकास है। हर चीज़ में विकास करें ना, हर चीज़ में क्यों नहीं कर रहे। पढ़ाई इतनी ना साधन है, जब आते हैं तो रोडो पाइड में जो मतलब लगा होता, साधन अच्छा दिए होते तो वो चीज़ें वहाँ ना लग। और ये भी एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के बाद उसे सेलिब्रेट कर रहा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं क्वींस कॉलेज लहुराबीर में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां भी एक मतदान केंद्र बनाया गया है और चलते हैं अंदर देखते हैं कि किस गति से यहां मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र पर सेल्फी बूथ बनाया गया है, ये भी सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के द्वारा बनाया गया है। अब कुछ मतदाताओं ने यहाँ मतदान करके प्रदर्शन कर रहे हैं। शाम को 5 बजने को है और इस बूथ पर मतदाता लगभग नज़ारा दिखाई दे रहा है, लगता है कि सुबह से मतदान हो रहा है, इस समय लग रहा है कि मतदाता है नहीं, लेकिन बाहर यहाँ पे भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। से लगातार लाइन में लगा के मौसम सुनहरा मौसम होने की वजह से समय से पहले मतदान कर लिए हैं। अब बचे कुछ मतदाता आके मतदान कर रहे हैं। अब तक लगभग 50 से ऊपर पोलिंग हो चुकी है और कुछ मतदाता आएंगे, लगभग 60% पोलिंग हो सकती है। जैसा कि क्वींस कॉलेज के बूथ पर एक एजेंट ने बताया कि सुबह से मौसम इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा मतदान हुआ है और यहाँ पर अभी तक लगभग 50% मतदान हो चुका है। यहाँ पे देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ बाहर जो महिला बैठी हैं अपने रुमाल से ही गर्मी को से निजात पाने की कोशिश कर रही हैं। एक क्वींस कॉलेज में देखे लगातार मतदाता आ रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला थोड़ा थोड़ा धीमा है। चुनाव पर यहाँ पे वाराणसी में फिलहाल देश को लेकर के जो राजनीति चल रही है उसमें विपक्ष और सत्ताधारी दोनों में अपने अलग अलग मुद्दे हैं। देश की राजनीति को लेकर के, विदेश की राजनीति को लेकर बीजेपी ने जो बहुत कुछ किया है और आने वाले 5 सालों में बीजेपी के पास बहुत सी चीज़ें करने को हैं। यानी मोदी जी की हवा चल रही है? जी हाँ बिल्कुल।
जीत ही चल रही है इस समय। मोदी जी कोई हरा नहीं पाएगा, उनको नहीं हरा पाएगा, और किसी को भले हरा दे उनको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि कार्य प्रणाली जो है बनारस के लिए किसी ने नहीं किया, कांग्रेस में भी उतना, क्योंकि कांग्रेस में बहुत दूसरी स्थिति थी, उसके बाद जीतते हुए बनारस को सब लोगों ने इग्नोर किया, सब लोगों ने इनको इग्नोर किया, बनारस को जैसे लगा फूटी आँख लोगों को नहीं सुहाता था, इसीलिए उन्होंने मोदी ने नहीं, बदलाव होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, कभी महंगाई से सभी लोग तंग हो चुके हैं। सर जो मतदान हो रहा है वो बदलाव पर हो रहा है, मतलब इस बार मोदी जी बदल जाएंगे, काशी से तो मोदी जी आएंगे लेकिन देश में बदलाव जरूरी है, क्योंकि देश में विकास के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवान के साथ हुई अत्याचार हो, चाहे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें याद है, लॉकडाउन के टाइम मजदूर जो पैदल चलकर आ रहे थे वो हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए केंद्र सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वाराणसी का जहां तक डेवलपमेंट हुआ है तो वाराणसी के सांसद पीएम मोदी ही बनेंगे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।